2 लाख रुपए किलो उस मशरूम की कीमत है जी। वो भी मैं करता हूँ, मेरा फार्म है उसका। जो युवा बच्चे हैं, पढ़े लिखे हैं जी। और नौकरी की तलाश में दौड़ रहे हैं जी। वो मशरूम की खेती बहुत कम पैसे में स्टार्ट हो सकती है इसकी जी। क्योंकि इसको न तो बहुत ज़्यादा पानी की आवश्यकता होती है, न कोई बहुत ज़्यादा भूमि की आवश्यकता होती है। कच्चा झोंपड़ा या छान, टीन शेड, पक्का मकान, कैसा भी बना करके मशरूम की खेती की जा सकती है। आज के इस वीडियो में हम आपको मिलवाने जा रहे हैं मोटाराम जी शर्मा से, जो मशरूम के वैज्ञानिक के नाम से प्रसिद्ध है। नमस्कार सर। नमस्कार जी। हमारे सभी दर्शकों की तरफ से आपका बहुत बहुत स्वागत है। आपको भी। आजकल जो ट्रेंड जो चल रहा है वो बिजनेस का चल रहा है, तो लोगों की उत्सुकता रहती है कि वो मशरूम के बारे में जाने। तो आज का ये जो वीडियो है, हमारे जो दर्शक है उनके लिए यही रहेगा कि मशरूम जो है वो किस तरह से वो कर सकते हैं, उनको कहाँ से मशरूम का बीज मिलेगा, मशरूम लगाने के क्या फ़ायदे हैं, उसकी मार्केटिंग वो कहाँ करेंगे, कौन कौन सी समस्या आती है, कौन कौन से फ़ायदे हैं, तो ये सारी चीज़ें दर्शकों को आज हम आज के इस वीडियो के माध्यम से उपलब्ध करवाना चाहेंगे। सबसे पहले मैं आपसे जानना चाहूँगा कि अगर कोई दर्शक है वो अगर मशरूम की खेती करना चाहते हैं तो मशरूम के क्या फ़ायदे हैं? देखो, मशरूम की खेती के बहुत सारे फ़ायदे हैं जी। जो हमारे किसान भाई हैं, जो युवा बच्चे हैं, पढ़े लिखे हैं जी। और नौकरी की तलाश में दौड़ रहे हैं जी। वो मशरूम की खेती बहुत कम पैसे में स्टार्ट हो सकती है इसकी जी। क्योंकि इसको न तो बहुत ज़्यादा पानी की आवश्यकता होती है, न कोई बहुत ज़्यादा भूमि की आवश्यकता होती है। कच्चा झोंपड़ा या छान, टीन शेड, पक्का मकान, कैसा भी बना करके मशरूम की खेती की जा सकती है जी। और यहाँ तक कि जिस छत के नीचे हम खेती कर रहे हैं जी। उस छत का हम बरसात के अंदर पानी कलेक्ट करके जी। हम मशरूम की खेती कर सकते हैं। सबसे पहले तो मशरूम का मैं फ़ायदे के बारे में बता देता हूँ कि मशरूम एक इतना उच्च कोटि का प्रोटीन युक्त खाद्य पदार्थ है जी। वो आपको किसी भी चीज़ में नहीं मिलता है जी। मशरूम में बीटा ग्लूकोन पाया जाता है जी। जो डायबिटीज पेशेंट के लिए बहुत रामबाण साबित हुआ है जी जी। और मशरूम के अंदर पॉलीसेक्राइड्स पाया जाता है, वो कैंसर का एंटीवायरस होता है जी। जो बीपी पेशेंट हैं, जो हार्ट पेशेंट हैं, उनके लिए भी मशरूम एक रामबाण औषधि के रूप में भी हम कहें तो कोई बड़ी बात नहीं होती है। कई ऐसी मशरूमें मैं कर रहा हूँ, जैसे गैनोडर्मा है जी। जो कैंसर के लिए होती है जी जी। एक में कीड़ा जड़ी मशरूम आती है जो बहुत कॉस्टली मशरूम है जी। 2 लाख रुपए किलो उस मशरूम की कीमत है जी। वो भी मैं करता हूँ, मेरा फार्म है उसका जी। और सबसे सरल जो मशरूम होती है जी। वो होती है ओइस्टर जी जी। ओइस्टर को हम ढींगरी भी बोलते हैं जी। तो ये आम किसान कोई भी कर सकता है जी। इसके लिए लंबे चौड़े पैसों की भी आवश्यकता नहीं होती है जी। और सबसे सब मशरूमों से सरल प्रोसीजर है इसका। सर, ये तो मशरूम के जो गुण हैं उनके बारे में हमने बात की, इसकी मार्केट वैल्यू के बारे में क्या कहना चाहेंगे? बटन मशरूम है, आज अगर हम जितने भी उगाएं तो हमारे राजस्थान में भी जयपुर के अंदर मुहाना मंडी में बहुत बिक रही है जी। हमारे फार्म पर लोकल 100 किलो पर डे की मशरूम आज रिटेल काउंटर आ रहा है। मैं तो पिछले 30 साल से कर रहा हूँ, जब यहाँ कोई मशरूम का बोलबाला ही नहीं था जी जी। तो मुझे मार्केट मिला है तो सबको मिलेगा, ऐसी बात नहीं है। बाकी दिल्ली की आप किसी भी मंडी में जाओ जी। तो हम तो राजस्थान वाले हैं तो जयपुर हमारे लिए नज़दीक पड़ता है, तो कोई भी किसान इसको उगा करके और मंडी में भेज सकता है जी। और इसका अचार बना करके भी अपना मार्केट में लॉन्च कर सकता है जी। और उगाना कोई मुसीबत वाली बात नहीं है। मशरूम को कोई भी आदमी पढ़ा लिखा हो या अनपढ़ हो या बीएससी एग्रीकल्चर के बच्चे हो, बहुत सारे बच्चे हमारे पास यूनिवर्सिटी के आते हैं प्रैक्टिकल करने के लिए जी। वो कुछ लोग अपनी इस मशरूम की दुनिया में जाते हैं, उनको कोई नौकरी से भी लेना नहीं होता है, तो मशरूम का मार्केट है। काफ़ी सारे लोगों का ये कहना है कि मशरूम जैसे वो लगाता है तो फिर उनको मार्केटिंग की दिक्कत आती है कि अपने यहाँ पे मार्केट नहीं है, कहाँ बेचेंगे, कैसे भाव मिलेगा उनका, या फिर बाहर दूर दराज में बेचने जाएंगे तो फिर नहीं। मशरूम के मार्केट की कोई दिक्कत नहीं है, जैसे ओइस्टर मशरूम है इसकी थोड़ी सी मार्केट की दिक्कत है जी।
तो आजकल सोशल मीडिया एक्टिव है, आप कहीं भी नेट पे सर्च करके भेज सकते हैं, वहाँ पे ब्रांडिंग वगैरह कर। ऑयस्टर मशरूम ड्राई भी बिकती है, ऑयस्टर मशरूम के पापड़ बनते हैं, भुजिए बनते हैं, नमकीन बनती हैं, मंगौड़ी बनती हैं, अचार बनता है, कैसे भी बना के बंदा बेचने वाला बेच सकता है। बाकी मेन आज सबसे ज़्यादा जो बिक रही है वो है बटन मशरूम, और बटन मशरूम आप जितनी उगाओ इतनी अपनी राजस्थान में हम पूर्ति नहीं, हमारा छोटा सा सीकर है, या हम पूर्ति नहीं कर सकते, तो जयपुर जैसे बड़े शहर में आज जितने भी बड़े मॉल वगैरह हैं, बड़ी बड़ी होटलें, उनमें सब में मशरूम का करने वाला होना चाहिए। हाँ, करने वाला होना चाहिए, बिकती है। तो जैसे अगर हम इसकी शुरुआत अगर करना चाहे तो वो किस हिसाब से करेंगे, कि कितनी जगह की जरूरत होगी या कितना फंड जरूरत होगी, इनिशियल स्टेज पर छोटे स्तर पर अगर करना चाहे। देखिए, मशरूम की खेती करने के लिए कोई लंबे चौड़े फंड की आवश्यकता नहीं होती है। अपना जो गेहूँ का जौ का जो भूसा होता है उसके अंदर होते हैं, इसमें कम से कम भूसा 3 क्विंटल रिक्वायरमेंट होता है, 3 क्विंटल से कम का इसका कंपोस्ट नहीं बनता है। 3 क्विंटल इसमें गेहूं की हम तूड़ी लेते हैं, 3 किलो सुपरफास्फेट लेते हैं, 3 किलो पोटास लेते हैं, 4.5 किलो यूरिया लेते हैं, 15 किलो हम ये अपने गेहूं का जो चापड़ आता है जो आटा छानने के बाद बचता है वो लेते हैं, 9 किलो कैल्शियम अमोनियम नाइट्रेट लेते हैं, और 20 किलो जिप्सम लेते हैं। वो सब मिला करके वो 1 महीने तक उसको सड़ा गड़ा करके वो खाद बनाई जाती है। उसके बाद 1 महीने में वो खाद तैयार होती है जी। और बीज आप हमसे भी प्राप्त कर सकते हैं, और आप जयपुर में भी जीवन मशरूम है बीज बना रहे हैं वहाँ से भी ले सकते हैं, और आप चाहो तो आप सोनीपत में भी इसकी लेब है, सोलन इसका मेन सेंटर है, तो काम करने वाले के लिए बीज की कोई कमी नहीं होती, कहीं से भी परचेज कर सकता है जी। और जगह के बारे में, किस हिसाब का इसको एनवायरनमेंट चाहिए, किस हिसाब का वातावरण, किस हिसाब का जगह? तो ऐसा है कि हमारे यहाँ हम अगर अगस्त में लगते हैं बटन मशरूम में, तो मार्च तक हमारे यहाँ मशरूम हो सकती है जी। ये क्या कि ठंडे की मशरूम है, टेम्परेचर जैसे 20 से ऊपर चला जाता है तो उसके बाद हमारे यहाँ बटन नहीं होती है जी। उसके बाद मिल्की मशरूम होते हैं, उसका प्रोसेस अलग होता है, ऑयस्टर का अलग होता है और बटन का अलग होता है। तो सर, अब मैं जानना चाहूँगा आपसे कि जैसे ये जो हम 1 महीने तक जो ये खाद तैयार करते हैं, उसके बाद का क्या प्रोसेस होता है? भाई, ये खाद जो है इसको बनाने में 1 महीना लगता है जी। उसके बाद का होता है, जब खाद तैयार हो जाती है तो इसका जैसे हम लोग 3 किलो लेते हैं तो इसका 9 क्विंटल कम्पोस्ट हो जाता है जी। और 9 क्विंटल कंपोस्ट के अंदर हम 6-7 किलो स्पान, मशरूम के बीज को स्पान बोलते हैं जी। वो मिला करके थैलियों में भर देते हैं, उसमें 10-15 दिन बाद में उसमें माइसलिन ग्रो हो जाती है जी। तब उस पर एक केसिंग परत लगती है जी। सर, अगर हम मशरूम के बीज के बारे में बात करें कि इसकी कॉस्ट किस हिसाब से आती है, तो वो थोड़ा सा एवरेज होता है? बीज की कॉस्ट होते हैं 100 रुपये के लगभग हो जाती है, क्योंकि हरियाणा से मंगाते हैं तो कभी 20-30 रुपये ट्रांसपोर्टेशन पड़ जाता है, 110 या 120 रुपये किलो हमारे यहाँ आके पड़ता है, हम खुद बनाते हैं और 100 रुपये किलो के लगभग पड़ जाता है। अगर कोई किसान है वो ट्रेनिंग करना चाहे, वो जैसे ट्रेनिंग करना चाहते हैं, तो उसके लिए आपके यहाँ पे सर ट्रेनिंग वगैरह? हमारे यहाँ ट्रेनिंग के लिए आ सकते हैं कभी भी भाई। जैसे बटन मशरूम है तो वो अब लास्ट हम आज जो हम करेंगे वो आज लास्ट कंपोस्ट बनेगा, उसके बाद फिर मार्च में गर्मी आती है तो मार्च के बाद में हमारे यहाँ बटन मशरूम में, फिर उसके बाद हम लोग मिल्की मशरूम चालू करते हैं अप्रैल में। तो मिल्की मशरूम क्या है कि वो 35 डिग्री टेम्परेचर तक की मशरूम है, वो कर सकते हैं, और ऑयस्टर हम साल में 8 महीने कर सकते हैं। मिल्की मशरूम भी आजकल दिल्ली मंडी में खूब बिक रही है, मिल्की मशरूम के कई नाम है, जैसे उसको दूध छत्ता भी बोलते हैं, कैलोशाई गेंडिका भी बोलते हैं, तो 12 महीने किसान कर सकता है मशरूम विदाउट एसी। और बहुत सारी ऐसी मशरूमें हैं जैसे सिटाके है, गेनोडर्मा है, कीड़ा जड़ी है, उन सब के लिए आपको एसी की रिक्वायरमेंट होती है। तो मैं किसान भाइयों से ये कहूँगा कि फिलहाल आप उस तरह की मशरूमी में नहीं जाएँ जो नॉर्मली हमारे नेचुरल वातावरण में होते, उसी से अपना फार्म स्टार्ट करें और उसके बाद धीरे धीरे आगे बढ़े, उसके बाद सारी मशरूम का उत्पादन। अपने यहाँ पे इजीली कौन सी मशरूम है वो पनप सकती है, कौन सी मशरूम है? हमारे यहाँ विदाउट एसी बटन हो सकती है, ऑयस्टर हो सकती है, मिल्की मशरूम हो सकती है। ऑयस्टर के अंदर कई प्रजातियाँ, 10-12 प्रजातियाँ, वो हमारे यहाँ विदाउट एसी हो सकती है।
तो आपके यहाँ सर ट्रेनिंग वगैरह का कोई कोर्स वगैरह कितने दिन का क्या प्रोसेस? हमारे यहाँ वो सीखने वाले पर डिपेंड करता है भाई, वो कितने दिन में सीखता है। हम लोग ट्रेनिंग प्रोग्राम एक एक महीने का भी रखते हैं और एक महीने में 10 दिन बुला करके भी सिखाते हैं, और कंटिन्यू अगर अगला सीखना चाहे तो कम से कम 8-10 दिन उसको लग जाते हैं। 10 दिन से पहले हमारे यहाँ कोई ट्रेनिंग नहीं जी, वो यहाँ पे रह के ट्रेनिंग ले सकता है, वो रह करके ट्रेनिंग ले सकता है। मशरूम में उत्पादन में कोई समस्या ऐसी कोई आपने नोटिस किया? क्योंकि आप मशरूम उत्पादन में समस्या यही आती है कि अगर फार्मर्स अपनी साफ सफाई का ध्यान रखें तो उसमें कोई समस्या आती नहीं है, और मशरूम के अंदर कोई समस्या आ जाती है तो इसमें किसी केमिकल का कोई स्प्रे वगैरह नहीं होता है, इसलिए सावधानी ही इसका उपाय है। सर आपने दर्शकों को जानकारी दी, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। उम्मीद करूंगा कि दर्शकों को आपकी जानकारी पसंद आएगी। धन्यवाद।